कहानी लेकर आई हूँ ना, जिससे आपके भी घुटने खड़े हो जाएंगे सुनने के बाद। तो यार वीडियो को एंड तक देखना प्लीज। तो पहले मैं बता देती हूँ, आज मैं एक ऐसी डरावनी डायन की कहानी लेकर आई हूँ, चुड़ैल कह लो या डायन कह लो, जिससे दो दोस्तों का हो जाता है सामना। तो यार ये कहानी है सूरज और मोहित की। सूरज और मोहित बहुत ही बचपन, मतलब बहुत ही छोटे से ही बचपन से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। खेलना कूदना घूमना फिरना हमेशा साथ में था उनका। तो गांव छोटा था, तो वहाँ की एजुकेशन भी कम थी, मतलब कि 10वीं तक ही था। तो दोनों ने ये प्लान किया कि हम दोनों लाथुर गांव जाएंगे, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, तो हम वहां पे जाकर के अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करेंगे। तो सूरज और मोहित दोनों ही निकल पड़ते हैं लाथुर शहर के, लाथुर गांव या शहर होता है एक, तो वहां चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं घर से, मतलब घर से पहली बार निकले हैं तो दोनों, मतलब घूमना फिरना बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना आना जाना डेली का था उनका। तो लाथुर वो चप्पा चप्पा जान गए थे लाथुर का। तो उसके बाद सूरज ने मोहित से बोला कि यार रोज रोज वही घूमना वही जाना बहुत बोर हो रहे हैं, कहीं और चलते हैं। तो मोहित ने बोला हाँ यार कहीं और चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो तभी सूरज ने बोला मोहित को कि कामी गांव है, जो कि कम लोग रहते हैं वहां पे, और मेन वहां पे पूरा जंगल है, कामी गांव का बहुत बड़ा जंगल है। तो वहां पे क्या है कि वहां पे जितने भी जंगली जानवर थे सब मर चुके हैं, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे लोग आते जाते हैं घूमने फिरने और वीडियोस वगैरह बनाने, अपना घूमने फिरने आते जाते हैं। तो मोहित कहता है चलो फिर चलते हैं, आज रात भर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे और वहीं पे ही रुकेंगे। तो सूरज और मोहित दोनों ही ये प्लान बना के निकल जाते हैं। करीब रात के 11 बजे जैसे ही वो कामी गांव में एंट्री करते हैं, और वो सीधा क्या होता है, वो ना मतलब स्पीड में जा रहे होते हैं, जैसे वो जंगल के अंदर घुसते हैं, घुसते के साथ ही उन्हें एक ब्रिज मिलता है, मतलब घुसते के साथ ही बहुत लंबा ब्रिज होता है, नीचे पूरा नदी होती है। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि आज अमावस्या की रात है और वहां पे कोई भी नहीं था। वैसे वहां पे काफी सारे लोग रहते थे, आते थे, रात को रुकते थे, पार्टी करते थे, बट उस समय वहां पे कोई भी नहीं था। तो सूरज ने मोहित को बोला कि यार बहुत शांति लग रही है। तो मोहित ने सूरज को बोला कि हमें शांति तो चाहिए थी, चलना एंजॉय करते हैं। तो और आगे जाते गए और आगे जाते गए, तो काफी अंदर तक गए वो। तो ब्रिज बहुत लंबा था, वो खत्म नहीं हो रहा था। जैसे उन्होंने आसमान में देखा, बहुत ही मतलब चांद बहुत बड़ा निकला है, तो वो लोग देख रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और नीचे नदी थी, तो नदी में उन लोगों ने कहा नदी का बहाव बहुत तेज था, बहाव बहुत तेज था, हवाएं चल रही थी कोमल कोमल, तो उन लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उन्होंने बाइक रोकी और वहीं पर आराम से ऐसे बैठ गए कहीं पे या खड़े हो गए। उसके बाद सूरज ने देखा कि एक औरत आत्महत्या करने वाली है। तो सूरज चिल्लाने लगा, तो मोहित कहता तो चिल्ला क्यों रहा है, फिर वो देख वो औरत ना आत्महत्या कर रही है वहां पे। तो सूरज तो मोहित ने बोला अरे क्या वहां मत जा, वहां पे मतलब कुछ खतरा हो सकता है, क्या पता वो कोई चोर वोर हो, कोई चोर नहीं हो, कुछ तो हो सकता है। लेकिन सूरज ने एक नहीं सुनी, सूरज भागते हुए गया और वहां चला गया। वो औरत तुरंत छलांग मार ली, मोहित उसके पीछे भागते हुए गया और उसने देखा कि उस औरत ने छलांग लगा ली नीचे पानी में और वो डूब रही है, अपने हाथ पैर मार रही है पानी में। तभी सारी हवाएं बंद हो जाती हैं, जो चांद होता है वो किसी बादल में छुप जाता है, बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और ऐसा माहौल हो जाता है ना आसपास वैसे कि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल सारा माहौल सन्नाटे में छा जाता है। तो सूरज बोलता है मुझे बहुत डर लग रहा है इस औरत को देख करके। तो मोहित कहता है मुझे भी लग रहा है, लेकिन सूरज कहता है हमें इस औरत को बचाना होगा। तो सूरज क्या करता है, अपनी टी शर्ट उतारता है और पानी में छलांग मार देता है। मोहित उसे बहुत समझाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सूरज उसका हाथ छुड़ा करके पानी में छलांग मार लेता है। और जैसे वो पानी में छलांग मारता है वो औरत गायब हो जाती है। सूरज उसको बहुत ढूंढता है, अंदर जाके बहुत ढूंढता है, बट वो नहीं मिलती। तभी वो अचानक से वो औरत मोहित के सामने आ जाती है उस रेलिंग पे जो कि उस ब्रिज का था। तो सूरज बोलता है कि अरे ये औरत ऊपर क्या करे। तो मोहित कहता है यार ये तो कोई चुड़ैल है जो हमें जान से मार देगी। तो सूरज बोलता है कि तू चिंता ना कर, मैं भी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ इस नदी में से। तभी अचानक से एक ऐसा मंजर, ऐसी चीज सामने आती है, वो औरत अपने बाल, जैसे वो चुड़ैल वो डायन अपने बालों को हटाती है तो उसका चेहरा पूरा का पूरा नीला होता है, पूरी बॉडी उसकी नीली होती है, उसकी आंखें पीली होती है, बिल्कुल पीली पीली, और नाखून किसी जंगली जानवर की तरह बड़े बड़े होते हैं और अजीब सी होती है वो पूरी की पूरी, मतलब उसके बदन पे बस थोड़े से कपड़े होते हैं और बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। ये चीज मोहित देख करके इतना ज्यादा घबरा जाता है ना
कहते हैं ना कि जिनके ऊपर बीती होती है ना चीजें, कि वही लोग ये चीजें समझ पाते हैं। जिन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ होता ना, वो सब बस ये मजाक समझते हैं, ये उन्हें एक ड्रामा समझते हैं। यार मतलब इस कहानी को सुनाते सुनाते तक मुझे इतना पसीना आ रहा है ना, बहुत ज्यादा यार। मतलब इतने बुरे मंजर में मोहित फंस चुका था उस वक्त। तभी उस चुड़ैल ने बोला एक अजीब सी हंसी के साथ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे दोस्त को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो तभी वो समझ जाता है मोहित कि जो इंसान पानी में होगा उसी के साथ वो चुड़ैल ऐसा करेगी। तो मोहित बहुत तेज तेज चिल्लाने लगता है, सूरज पानी से बाहर निकल, सूरज पानी से बाहर निकल। लेकिन सूरज की पूरी बॉडी एकदम सुन पड़ जाती है, वो अपने हाथ पैर मारता है लेकिन उस पानी में नहीं हो पाता। तभी वो चुड़ैल वापस से छलांग मारती है और सूरज को बेरहमी से अंदर खींच लेती है और पूरा का पूरा खून ही खून पानी पे ठहर जाता है पूरा। तो मोहित समझ जाता है कि उसने सूरज को जान से मार दिया। तभी अचानक सूरज ज्यादा खून देखने के चक्कर में इतना बेरहमी से अपने दोस्त को देखते हुए वो भी चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो देखता है कि गांव के कुछ लोग उनके आसपास खड़े हैं और नीचे सूरज की लाश किनारे पर है और लोग वहां पे खड़े हैं। तब सूरज मोहित खड़ा होता है, सूरज को देखता है और चीखते चिल्लाते बहुत तेज तेज रो करके उसके पास जाता है नीचे उतर के, और बहुत रोता है कि मैं तुझे बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे नहीं बचा पाया तुझे। फिर उसके बाद मोहित ने उसके अगले दिन, मतलब वो उसी गांव में रुका था क्योंकि ऐसा माहौल हो गया था उस गांव का, तो तभी उसने कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछा कि ऐसा इस नदी में क्या है, वो कौन थी वो औरत। तो गांव के लोग बताते हैं कि वो जो चुड़ैल बनी है वो पहले बहुत ही सुंदर औरत हुआ करती थी, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था तब किसी एक अंग्रेज ने इसके साथ बलात्कार किया था। मतलब बहुत बुरी बहरहमी से 4-5 लोगों ने बलात्कार किया था, तो वो शादीशुदा थी। तो उसके पति ने भी उसको छोड़ दिया, तो गांव की जितनी भी औरतें थी वो उससे नफरत करने लगी थी कि ये मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी है, इसका पूरा जो भी इसका मतलब मान लो कि बिल्कुल ही अपवित्र है, इसके साथ रहेंगे तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे। तो उसको धुतकारा करते थे, दूर करा करते थे। तो एक दिन उस औरत ने इसी ब्रिज में, इसी नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या, अपनी जान दे दी थी। तो तब से ये चुड़ैल दिखा करती है और कहते हैं कि जैसे ये 100 आदमियों को मार लेगी वैसे ये एक औरत, मतलब एक खूबसूरत सुंदर औरत बन जाएगी, वापिस से इसका जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए तो उसके बाद गांव वाले बताते हैं कि उसके बाद से ये चुड़ैल कभी भी किसी को नजर नहीं आई। मतलब वो आखिरी शिकार था सूरज उसका, और उसके बाद वो औरत अब किसी एक मतलब किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी बिता रही होगी। तो यार ये कहानी यहीं पर ही एंड होती है। तो यार आप लोग बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आप लोग के पास वो यार ऐसी हॉरर स्टोरी है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज यार कर दो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।